एबीपी सांझा देख रहे हो तुसी मेरा पिंड मेरा शहर प्रोग्राम लैके मैं दीप्ति हाजिर हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू जेल चो बाहर आके एक बार फिर पंजाब की सियासत च सरगर्म हो गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दे नाल मुलाकात की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसेवाला अते खुद की सिक्योरिटी दे विच होई कटौती नूं लैके मान सरकार नूं घेरिया है। उधर मान दे मंत्रियों नूं नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात रास नहीं आ रही। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे ते सियासत ना करन दी नसीहत दिती है। उधर फरार अमृतपाल दी पाल दे लई हुण पंजाब दे विच पुलिस सिविल च घूम रही है अते काउंटर इंटेलिजेंस दी टीमां यूपी पहुंचियां ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल तो बाहर आके पंजाब सरकार नूं कानून व्यवस्था दे मुद्दे ते मुड़ के रिहा है अते खुद दी सुरक्षा च कीती कटौती ते भी सिद्धू मान सरकार ते भड़क दे नजर आए। दरअसल सोमवार नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसेवाला दे मापिया दे नाल मुलाकात कीती है। इह तस्वीरां मूसा पिंड च मूसेवाला दे घर दीआं ने जिथे नवजोत सिंह सिद्धू ने मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ते माता चरण कौर दे नाल मुलाकात कीती। सिद्धू दे नाल कई होर कांग्रेसी लीडर भी मौजूद रहे। पिंड मूसा दे विच बलकौर सिंह ते चरण कौर दे नाल मुलाकात तो पहला मूसेवाला दे घर खास तैयारियां भी कीतियां गईयां। मूसेवाले दा स्टैचू भी लगाया गया। लगभग 100 बंदिया दे बैठन दा प्रबंध सी। हालांकि सिद्धू दा 2 अप्रैल दा परिवार नूं मिलन दा प्रोग्राम भी रद्द हो गया सी। नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार नूं ही जेल चो रिहा होए ने ते आउंदे ही सियासत च मुड़ सरगर्म हो गए ने ते सब तों पहला मुलाकात मूसेवाला दे माता पिता नाल कीती गई है। प्रसिद्ध ग्लोबल स्टार सिद्धू मूसेवाला ओहदी सुरक्षा च कमी क्यों कीती गई? कमी है नहीं, जो ओहदे नाल होया अज दूसरे सिद्धू नाल भी हो रहा, परवाह नहीं। जेड प्लस सिक्योरिटी सी, अज 13 बंदे रह गए। क्यों? क्योंकि जिवें ओहनू चुप कराउणा चाहुंदे सी ओवें नवजोत सिंह सिद्धू इमोबलाइज हो जाए घरों ना निकले। सब तो जिहड़ा एक इंपॉर्टेंट एह गल है वी वीडियो आई है लॉरेंस दी, अज 20 दिन हो गए। कोर्ट के जाने तो कह देंगे भी कमेटी बना दी ADGP जेलों के। मैं थोड़े प्रेस के माध्यम से सरकार से पूछनी चाहता भी रिपोर्ट कदों तक आ जू। कमेटी तुम्हें बन गई चंगी गल है, जांच तुम्हें करनी है, पर महीना 20 दिन 2 महीने कोई टाइम तो दे दौ भी कदों तक रिपोर्ट आ जूगी। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि दोषी थोड़े को नहीं है, लॉरेंस थोड़ी कस्टडी च नहीं है, उन्होंने प्रोटेक्शन ब्रांड से लिया के पूछा नहीं जा सकता। तो पहले दिन तो ही CM साहब ने कहा कि मैं जिहड़ा जुडिशियल कमीशन बिठा दूंगा, जिन्हें सिक्योरिटी लैप्स की असं उन्होंने अफसरों को सज़ा देवे। ना अज तक जुडिशियल कमीशन बनया, सिटिंग जज की बजाय रिटायर दा भी बनया, वो गल उ है। हूँ BDO आई है, वो इनवैसटीगेशन जी टीम बना के छड़ती है। नवजोत सिंह सिद्धू दे मूसेवाला दे परिवार दे नाल मुलाकात आम आदमी पार्टी दे मंत्रियों नूं रास नहीं आ रही। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने कहा कि मूसेवाला दे मुद्दे दे उत्ते किसी नूं भी सियासत नहीं करनी चाहीदी। सरकार दे वल्लों इस मामले दे विच उचित कार्रवाई की गई है ते सरकार ने हमेशा मूसेवाला दे मापिया दा दर्द समझिया। मूसेवाला दे जिहड़ा अनफॉर्चुनेटली वाकया होया मर्डर, उहदे ते जिहड़ा भी बंदा सियासत करदा चाहे उह नवजोत सिद्धू जी आ, कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गलों के उत्ते जाके सरकार ने उत्ते पूरी कार्रवाई की। 30 गैंगस्टर फड़े गए, 2-3 जड़े जिन्हें हथियार चक्या मारे गए। सो निश्चिंत रहो, ये जी इस सिद्धू साहब ना निकलद आप देख सकते। सिद्धू साहब उस दिन जबकि बंदा एक निकलता अंदरों तो बड़े आराम न निकलता, उन्होंने ध्यान दे राजनीति पहले उन्होंने लग रहा है। सारे उत्थे होने मीडिया वाले उन्होंने स्टाइल देख लिया कि फरार अमृतपाल दी पाल दे लई पंजाब दा चप्पा चप्पा खंगालन दे नाल नाल हुण पंजाब पुलिस दी काउंटर इंटेलिजेंस विंग दीआं टीमां उत्तर प्रदेश पहुंच गईआं ने। मेरठ अते पीलीभीत दे विच सर्च आपरेशन विढ़िया गया। हालांकि पप्पलप्रीत नूं लै के पंजाब पुलिस नूं यकीन नहीं है कि ओह हुशियारपुर दे पिंडां तों बाहर निकलिआ, इस लई जाहिर तौर ते हुशियारपुर दे पिंडां दे विच वी नज़र रखी जा रही है। फरार अमृतपाल किथे है इसका पुलिस नूं हाले कोई पता नहीं लगा है। ऑपरेशन अमृतपाल चलाया नूं कई दिन बीत चुके ने पर पुलिस दे हाथ हाले भी खाली ने। 28 मार्च दी रात नूं अमृतपाल दे हुशियारपुर दे पिंड मरनाइयां दे विच अपने साथी पप्पलप्रीत दे नाल होण दा पता चलिया सी। इस तों बाद पुलिस लगातार मरनाइयां पिंड सने आस पास पिंडां दे विच छानबीन कर रही है। 28 मार्च बाद पप्पलप्रीत दी एक वीडियो भी सामने आई। इस CCTV दे विच पप्पलप्रीत साफ नजर आ रहा है ते CCTV 29 मार्च दी दसी जा रही है। इस CCTV
तस्वीरां होशियारपुर के पिंड तरनोली के गुरद्वारा तपवंत साहब दियां ने। पपलप्रीत इस सीसीटीवी दे विच इकला ही नजर आ रहा है। अमृतपाल ते उसका साथी पपलप्रीत इन्हां पिंडां दे विच ही मौजूद रहे ने, पर पुलिस दे हाथ हाले भी खाली ने। उधर पंजाब दे विच फरार अमृतपाल ते पपलप्रीत की गिरफ्तारी दे लई हुण पंजाब पुलिस ने अपनी रणनीति बदल ली है। हुण पुलिस कर्मी सिविल विच घूम रहे ने ते होशियारपुर जिले के पिंडां दे विच सर्च की जा रही है। थाना मेतियाना तो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमृतपाल की तलाश दे लई पंजाब पुलिस हाले भी होशियारपुर फगवाड़ा जलंधर के नेड़े तेड़े के पिंडां ते पैनी नज़र बनाई रखी है। पंजाब पुलिस दे कोल इनपुट है कि हाले भी अमृतपाल इसे एरिए दे विच हो सकता है। पंजाब पुलिस वर्दी पा के डेरे अते गुरुद्वारों दे विच जाण तो परहेज कर रही है। इसलिए पुलिस ने हुण सिविल दे विच ही उन्हां नूं लभना शुरू कर दिता है ते छोटियां छोटियां टीमां बना के पैनी नज़र रखी जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 गैंगस्टरों की सूची केंद्र नूं सौंपी है। गोल्डी बराट सने विदेशों बैठे 28 गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार हुई है जो केंद्र के हवाले कर दी गई है। सब तो वध गैंगस्टर कैनेडा और अमरीका च लुके हुए ने। सूची दे विच लॉरेंस बिश्नोई के भरा अनमोल बिश्नोई जो इस वेले यूएसए दे विच लुकिया होया है उसका नाम भी शामिल है। गौरव उर्फ लक्की पटियाल जो अर्मीनिया दे विच छुपया है उसका नाम भी है। लखवीर सिंह लंडा जो कैनेडा दे विच है। सचिन थापर जो पंजाब मूल रहने वाला जो हाल फिलहाल अजरबैजान च लुकिया बैठा है उसका नाम भी इस सूची च शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला भी कैनेडा दे विच लुकिया बैठा है। इन्हां दे नामां दी लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय नूं भेज दिती गई है। इन्हां गैंगस्टरां दा संबंध पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा राजस्थान सने होर सूबिआं दे नाल है जो विदेशां च बैठ देश दे विच टारगेट किलिंग सने कई वड्डे अपराधिक मामलिआं नूं अंजाम दिंदे ने। इन्हां सारे गैंगस्टरां नूं भारत लिआउण दी तैयारी कीती जा रही है। बुलेटिन च वेला एक छोटे जे ब्रेक दा हो गया। ब्रेक तो पार गल सीएम मान दी योगशाला अते मान दे मंत्रियां दे एक्शन दी गल करांगे। सूबे अंदर सीएम दी योगशाला जल्द शुरू होने जा रही है। अमृतसर लुधियाना पटियाला ते फगवाड़ा तो इसकी शुरुआत होगी। इस योगशाला दे विच मुफ्त च योगा दी ट्रेनिंग मिलेगी। इस तो इलावा बेमौसमी बरसात कारण पंजाब दे विच किसानां दा भारी नुकसान होया। सीएम दे हुक्मां बाद मान दे मंत्री ते विधायक पिंड पिंड जाके खराब हुईआं फसलां दा जायजा लै रहे ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी योगशाला जल्द शुरू होवेगी। अमृतसर लुधियाना पटियाला ते फगवाड़ा तो इस दी शुरुआत कीती जानी है। सीएम मान ने खुद इस दी जानकारी दिती है ते कहा है कि सीएम दी योगशाला दे विच मुफ्त च योगा दी ट्रेनिंग दिती जाएगी। सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर अहम भूमिका निभाउणगे। पंजाब नूं तंदरुस्त सेहतमंद ते हसदा वसदा पंजाब बनाउण दे लई कदम चुकिया गया है अते योगा नूं असीं लोक लहर बनाउणा चाहुंदे हां। पंजाब दे हर घर दे विच योग सिख्या लै के जाणा सरकार ध्यान लाने की परंपरा से योगा जोड़ा है उन्होंने असी दोबारा एक लोक लहर बनानी चाहते हैं। ये पंजाब सरकार शुरू कर रही है सीएम की योगशाला। पंजाब के चार शहर अमृतसर लुधियाणा फगवाड़ा तो पटियाला इन चार शहर जे तुम योगा करना चाहते हो अपने मुहल्ले के पार्क च जा किते तुहानू कॉमन प्लेस मिल रही है योगा सीखना चाहते हो तो पंजाब सरकार वालों असी बिल्कुल मुफ्त दे विच तुहानू योगा इंस्ट्रक्टर भेजांगे जिहड़े कि तुहानू योगा सिखाउणगे ताकि ध्यान ते योगा दे नाल जुड़ के असी बहुत सारियां बीमारियां दा साडे देश दी परंपरा ते विरासत मुताबक हल कर सकीए। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने होशियारपुर के पिंडा का दौरा किया है। मीह नाल नुकसानियां फसलों का पिंड पिंड जाके जायजा लिया गया है। सवेरे 7 बजे के करीब ही मंत्री पिंड बसी गुलाम हुसैन पुजे जिस तो बाद पिंड ठरोली ते चौहाल गए। आदमवाल थतला आदि वख वख पिंडा दे विच खराब हुई फसलों का जायजा लिया गया अते नाल ही किसानों नूं भरोसा दवाया कि जो भी उन्हां दा नुकसान है उसकी भरपाई जल्द की जाएगी। इस दौरे तो बाद ब्रह्म शंकर जिम्पा मोहाली पहुंचे ते किसानों दे नाल मुलाकात कर खराब फसलों का जायजा लिया। उधर किसान मंत्रियों ते विधायकों के किसानों तक पहुंच का स्वागत कर रहे ने पर मुआवजा राशि नाकाफी दस रहे ने।
तक जो इतो सीन नजर आ रहा वो तो खराब नजर आ रही है, लेकिन माल विभाग के जिन्हें साढ़े ऑफिसर साहबान है यदा सही एनालिसिस करके जो मुआवजा बनता मानजोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का सख्त आदेश है सारे अधिकारियों सारे डिपार्टमेंट साडे नू भी सही टाइम ते इहदी रिपोर्ट बना के जल्द तो जल्द आपां मुख्यमंत्री जी दे कहन दा मतलब सीगा भी इहनू जल्द तो जल्द असीं करांगे जे असीं उदों तक कर लईए तो होर बेहतर होएगा। लेकिन मैं राजेवाल साहब नू इक गल करनी चाहना भी उह इत्थे तां आपां गल कर रहे हैं बट जदों मुख्यमंत्री जी ने 2020 दे 19 दे मुआवजे पए 150 करोड़ दे मुआवजे सरकार ने आके जारी किए है जथेबंदियां भी सारियां इत्थे सीगियां ना जी ते उन्हों क्यों नहीं देखदी है जिहड़ा 150 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने स्पेशली जारी किया और अपने हथा ने जाके दिता किसानों काली हो गई जी फसल तो सारी अपनी ठीक है जी ये तो मतलब टोटल लॉस है साडा ये ठीक है जी ये ना तो हुण सानू कणक मिलनी है ना ये पशुओं वास्ते चारा मिलना है यदा उल्टा हुण जिहड़ी साडी कटाई है ना वो भी सानू महंगी हो पैनी है अगे कंबाइन का भी खर्चा पैना बाकी रिपर का भी पैना है ये लॉस च है सारा कुछ नहीं है देखो जी हुण जो मौके के हिसाब न हो रहा जी ये है ना वो ठीक है जो कर रहे हैं बस ठीक है चंगी गल है जी बाकी 15,000 से तो बनता कुछ नहीं है किसी का ठीक है नहीं जी हूँ किसी को 40 किले से जी उन्हें देखो कि बन जाना सी जो घट्टो घट्ट भी आप 50,000 की 40,000 की फसल लाइए कितने चले जाना जी वो आ कुछ भी नहीं है तो लॉस बिल्कुल वो है जी कुछ नहीं है। मान दे हुक्मां बाद कैबिनेट मंत्री भी खेतां दे विच किसानां दा फसलां दा जायजा लैण पहुंचे ने। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ वल्लों भी खराब फसलां दा निरीक्षण कीता गया है। तस्वीरां जंडियाला गुरू दियां ने जिथे कई पिंडां दे विच जाके उन्होंने फसलां दा जायजा लिया। मंत्री साहब ने किसानां दे नाल वारी वारी मुलाकात की ते भरोसा दवाया कि जो सरकार दे वल्लों मुआवजा ऐलानिया गया है वह जल्द उन्होंने खात्यां च पाया जाएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान के हुक्मां बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों सने विधायक भी एक्शन दे विच ने। राजपुरा तो विधायक नीना मित्तल ने बारिश कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। विधायक के नाल खेतीबाड़ी विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। दरअसल बीते दिनों तो ही बारिश ने किसानों दी फसलों से मार मारी है जिस बाद सीएम मान ने विधायकों नूं पिंड पिंड जाके किसानों के नाल मुलाकात कर अफसरों नूं जल्द गिरदावरी रिपोर्ट बनाने के हुक्म दिते ने जिस तों बाद हुण मान के मंत्री ते विधायक एक्शन च नजर आ रहे हैं। पर किसान इस मुआवजा राशि तो संतुष्ट नहीं हैं अते मुआवजा राशि वधाउण दी मंग हो रही है। तस्वीरां फिरोजपुर दे नाल लगते पिंड आसल अते ममदोड़ियां ने जिथे किसानां दी पक्की फसल मीह दे पानी च डुब्बी नजर आ रही है। किसानां दा कहना है कि वख-वख पिंडां दी हजारां एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। सरकार 15,000 प्रति एकड़ दी थां 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देवे तां जो किसानां नूं थोड़ी राहत मिले। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਝੜਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀਰੇ ਅਰਗੇ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਦਾਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਦੇ 15,000 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣ ਡਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। प्रशासन के नाल मंगा नूं लैके बनी सहमति तो बाद किसानों ने बटाला रेलवे ट्रैक से लगाया धरना मुलतवी कर दिता है। उधर पिछले दिन जिस कदर बेमौसमी बरसात हुई किसानों का किस कदर नुकसान होया वह तस्वीर भी तुहानूं विखावांगे अते नाल ही दसांगे कि किवें सीएम मान के दावियां के उल्ट किसान खजल खुआर हो रहे हैं ते मुआवजा राशि 15,000 तो वधा के 50,000 करन दी मंग कर रहे ने। किसानों की प्रशासन के नाल सहमति बन गई है।
नतीजन बटाला रेलवे ट्रैक तो धरना मुलतवी किया गया। प्रशासन ने मीटिंग दे विच किसानां दीआं मंगां ते सहमति जताई। हालांकि मंगां पूरियां ना होण ते 1 सितंबर नूं मुड़ रेलवे ट्रैक जाम करन दा किसानां ने ऐलान किया। मीटिंग दे विच मीह कारण नुकसानी फसलां दी गिरदावरी दा काम 10 अप्रैल तक पूरा करन, अगस्त तक मुआवजा देण अते निरपक्ष मुआवजा मिले इस दे लई गिरदावरी दी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए, इह मंगां रखियां गईआं ने। दूसरे पासे नैशनल हाईवे दे लई एक्वायर जमीनां दे लई भी वध मुआवजा दिवाउण दे लई प्रशासन ने समां मंगिआ। गन्ने की बकाया राशि के लिए भी मई तक समय की मांग की गई है, जिससे किसानों ने सहमति जताई है। नाल ही प्रशासन ने दसिया कि धरने दौरान मृतक किसान परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का काम भी प्रोसैस च है। साड़ी रेगुलर मीटिंग्स भी होंदिया रहिंदी है किसान जत्थेबंदियां नाल, अगे भी होंदिया रहिणगियां। सो उन्हां नूं एक तरह नाल असी एक टाइमलाइन दित्ती हैगी कि जे कोई केस साडा हैगा, भावें लैंड एक्विजिशन दा है, साडे आर्बिट्रेशन च काफ़ी केस पए हुए ने, उह किन्ने टाइम तक सानूं उम्मीद है पूरे हो जाणगे, उह असी इहनां नूं दस्सिआ है। किते किते किसानां नूं कोई फैसिलिटेशन या सहूलियत दी लोड़ है, उह असी इहनां नूं कहा हैगा कि पिंडां च जा के, साडे वैसे भी कैंप लगदे ने, तो प्रॉपर इनफॉर्म करके किसानों नूं वो कागज़ वगैरह लैके असी इन्हां दी हेल्प करांगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना। कई बार इनफॉर्मेशन नहीं होंदी तां वो कंफ्यूजन होंदी है। गन्ने की अदायगी सी ऑलरेडी चलती पई है, पर उन्हें टाइम बाउंड किया है कि जिवें अप्रैल च सीजन खत्म होगा तो मई के अखीर तक असी इन्हां दी पेमेंटां करवा। साडी प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा, उहदे विच की सरकार वल्लों प्रबंध किए गए ने, या क्योंकि मीह पै गया है थोड़ा दाने से फर्क आऊगा, उहदे लई सरकार दी की पॉलिसी है, वो इन्हां नूं दस्सिया हैगा, वो सारा इन्हां नूं आपां दस चुके ने। और जिवें कोई शहीद होए सी किसान धरनियां दे विच, उन्हां दे किस स्टेज ते किहड़ा केस पिआ, वो इन्हां नूं दस्सिया हैगा। देखो, एक तां मुआवजे बारे अगस्त तक दी डेट लै ली है, गन्ने के बकाए बारे मई की डेट ली हुई है, नौकरियां 10-15 च कहिंदे असीं कर देंगे तां सिर आ, पोल्ट्री फार्म बारे भी क्लीयर कट है कि असीं नबेड़ देंगे। वड्डा मसला जिहड़ा इस मस तों भी 10 तक ऑर्डर लए सी डीसी को, पंजाब सरकार ने ऑर्डर किए अपने इस मोर्चे के प्रैशर से भी 10 अप्रैल तक सारिया गिरदावरियां वीडियोग्राफी करा के संभव कर दी जाएंगी, 14 तक मुख्यमंत्री का लाण मुआवजा मिल जू, भावें असी 50,000 प्रति एकड़ मंगने, चल इन्ने पैसे भी साढ़े गांव अगली फसल बीजन से कुछ सहायता करे जदों तक उन्हों का हैगा भी जरा वा किस्त अगे की जाने सू करजे दिए 6 महीने पोस्ट हो ब्याज माफ़ किया तो चार कहते असी कर रहे हैं। बेमौसमी बरसात गड़ेमारी ने वड्डा नुकसान फसलों का किया है, एक बार फिर किसानों का लक तोड़ के रख दिता है। हल्का बलुआना दे विच वड्डा नुकसान कणक सरों किन्नू दे बागां दा होया। पिंड बहादुर खेड़ा दा करीब 800 तो वध रकबा पानी दी मार हेठ है। कणक दी पक्की पकाई फसल पानी च डुब्बी नजर आ रही है ते वड्डी गिनती दे विच फसल विशी हुई दिख रही है। किसान अपनी बर्बाद हुई फसल दे विचो एक एक दाना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खेतों च डुबी कणक की फसल नूं पानी चो कढ़न दे लई मोटरां दा सहारा लिया जा रहा है, जो कि महंगा ते औखा साबित हो रहा है। किसानों की मांग है कि उन्होंने घट्टो घट 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाए। हाल बहुत माड़ा खेती का, क्योंकि कुदरती करोपी कारण हम देख रहे हो तुम फसलों पानी खड़ा ही, कणक अपन डुब गई जमा, तो प्रशासन ने कोई सार नहीं ली। असी अपने बलबूते ही जो है पानी कढ़ रहे हैं, सो आपकी जेब च पैसे ला रहे हैं, प्रशासन का कोई भी बंदा नहीं पहुंचा जी इतने। आसमान तो बरसी आफत ने किसानों दी फसलों नूं तबाह कर दिता है। उधर फसली चक्कर नूं छड्ड नवी खेती करन वाले किसानों उत्ते भी कुदरत दी मार पई है। ए तस्वीरां संगरूर दे पिंड गिदड़ियानी दीआं ने, जिथे 150 तों 200 एकड़ दे करीब किसानों दी फुल्लां दी खेती खराब हो गई है। किसानों मुताबिक एक एकड़ ते 40,000 तक दा लेबर खर्च आउंदा है, पर मीह ने सब बर्बाद कर दिता है। ਅਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। चंडीगढ़ च चाइल्ड वेलफेयर कौंसल ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने हल्ला बोलिया। उधर पंजाब कांग्रेस यूथ के प्रधान बरिंदर ढिल्लों के वलों केंद्र सरकार से निशाना साध्या गया अते इल्जाम लगाए गए ने कि केंद्र के वलों राहुल गांधी की आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश हो रही है।
सूबे के तीन निजी स्कूलों से सरकार ने सख्त एक्शन लिया। ईमेल आई डी से मिली शिकायतों को सिख्या मंत्री टास्क फोर्स को जांच लिए भेज दिया गया है। यह जानकारी सिख्या मंत्री हरजोत बैंस ने दी है। दरअसल पंजाब राज के निजी स्कूलों वालों किताब और फंडा के नाम से लुट दी शिकायत मिल रही सन, जिस दौरान ईमेल जरिए करीब 24 घंटिया दौरान 1600 तो वध शिकायत रिकॉर्ड हुई। शिकायतों को जिलावार गठित सिख्या मंत्री टास्क फोर्स को जांच लिए भेज दिया गया है। टास्क फोर्स वालों स्कूलों का दौरा कर जांच की जाएगी, रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी नूं पेश होवेगी। सूबे दे तीन निजी स्कूलों नूं सरकारी हदायतों की पालना न करन ते नोटिस भी जारी हुआ है। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर सिंह ढिल्लों राहुल गांधी नूं लैके केंद्र ते वरे ने। वरिंदर ढिल्लों ने कहा है कि राहुल गांधी की आवाज नूं दबाउण दा काम किया जा रहा है, जिस कारण हुण कांग्रेस पार्टी के लीडर पंजाब के कोने कोने च जाके लोकां दे विच विचर रहे ने। राहुल गांधी वालों लंबे समय तो चुकी जा रही आवाज प्रति लोगों नूं जागरूक किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के लिए 4 लाख के करीब नौजवानों वालों फार्म भी भरे गए ने। वड्डी गिणती दे विच यूथ कांग्रेस दे नाल नौजवान भी जुड़ रहे ने। हर कोने कोने ते जा रहे हैं ताकि भी राहुल गांधी जी दे नाल जो धक्का हो रहा, और वो राहुल गांधी जी दे नाल नहीं हो रहा, वो एक ओपोजिशन लीडर नाल हो रहा वा जिहड़े कि लंबे समय तो आवाज़ चकते आ रहे हैं। ये देश च एक माहौल क्रिएट किया गया वा भी जिहड़ा भी कोई बंदा मोदी साहब दे उल्ट आवाज़ चकदा वा उन्नू ईडी CBI तो लैके हर उस इंस्टीट्यूशन वालों उन्हां दी आवाज़ नूं दबाउण दा काम कीता जा रहा। चाइल्ड वेलफेयर कौंसल ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने कौंसल प्रशासन खिलाफ हल्ला बोलिया। तस्वीर बाल भवन सैक्टर 23 चंडीगढ़ दियां ने, जिथे ICCW इंपलॉयज यूनियन चंडीगढ़ के सदे से धरना दिता गया। कौंसल दे विच काम करते कर्मचारियों का काम ठप करवा प्रशासन खिलाफ नारेबाजी की गई है। 1970 दे विच बने नियमों तहत DC रेट जल्द देण, 1-1-2016 तो UT मुलाजमां दे आधार ते सोधे हुए तनखा स्केल लागू करन। कौंसल दे विच सोधियां आसामियां अनुसार मुलाजमां नूं तरक्कियां देण ते मुलाजमां दी भर्ती DC सीधी भर्ती दियां आसामियां वख-वख सैक्टरां दे विच चल रहीयां 56 क्रचां नूं पक्का करवाउण, आंगनवाड़ी च कीते जा रहे मर्ज नूं रद्द करवाउण सने इह वख-वख मंगां ने। तन्नाकारियां ने मंगां नां मन्ने जाण दी सूरत दे विच संघर्ष तेज़ करन दी चेतावनी दित्ती है। इन्हां खबरां दे नाल इस बुलेटिन च नई सी। देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई तुसीं देखदे रहो ABP सांझा।